नमस्कार, मैं डॉक्टर कन्हैया सिंह मेडिसिनल प्लांट की कड़ी में। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं एक नया पौधा लेकर आपके सामने आया हूं। आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। पहले आप ध्यान से इस पौधे को देखिए। आप ध्यान से इस पौधे को देखने के बाद आप आइडेंटिफाई कीजिए कि यह किस चीज़ का पौधा है, और आइडेंटिफाई करने के बाद आप अपने नोटबुक पर इसे नोट करिए, पहचानिए और चिंतन करिए कि क्या आपके घर के देखा है तो इसका क्या उपयोग है। तो इसी मेडिसिनल प्लांट की कड़ी में आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने इसके प्रॉपर्टीज, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल से समझाऊंगा, बतलाऊंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। ये पौधा, जैसा कि आप आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, ये इस पौधा का नाम है, हिंदी में इसे हम लोग आंवला के नाम से जानते हैं, और इसे लोकल में बहुत सारे नाम से लोग पुकारता है, आंवला, आंवला, लेकिन इसका इंग्लिश नेम है इंडियन गूजबेरी। अंग्रेजी में इसे हम इंडियन गूजबेरी के नाम से जानते हैं, और इसका टैक्सोनॉमिक पोजीशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका क्या टैक्सोनॉमिक पोजीशन है, तो इस पौधा का बोटेनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, फाइलेंथस इम्बिलिका। फाइलेंथस इम्बिलिका इज साइंटिफिक नेम ऑफ दिस प्लांट एंड किंगडम प्लांटी क्लास माइग्नोलियोप्सिडा फैमिली फाइलेंथेसी जेनस फाइलेंथस स्पेसीज फाइलेंथस इम्बिलिका। इट इज़ दी सिस्टमेटिक पोजिशन ऑफ दिस प्लांट। इस पौधे का ये सिस्टमेटिक पोजिशन है, किंगडम प्लांटी में है, और इसे हम लोग इंडियन गूजबेरी, अंग्रेजी में इसे हम लोग इंडियन गूजबेरी के नाम से जानते हैं। अब दूसरा जो टीचिंग पॉइंट्स है, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस प्लांट, कि इस पौधा के बारे में कुछ क्या खासियत है, कि मेडिसिनल प्लांट के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे कि प्लांट्स विथ ऑल मेडिकल क्वालिटी, यही पौधा है जिसमें सभी तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं, और इसीलिए हम लोग इसे सर्व गुण संपन्न पौधा के नाम से जानते हैं। सर्व गुण संपन्न पौधा बिकॉज दे कंटेन्स ऑल मेडिकल प्रॉपर्टी हिमसेल्फ। एक ही पौधे में बहुत सारे मेडिकल प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। और इसमें जहाँ तक प्रश्न है कि इस पौधा जो हमने आपको दिखाया, इसमें इसका रूट, स्टेम, लीफ और एडिबल पोर्शन है फ्रूट, जिसका हम लोग बहुत सारे चीज़ों में उपयोग करते हैं, तो इसका फ्रूट एडिबल पोर्शन है जिसको विभिन्न रूपों में हम लोग खाने का काम करते हैं। अब देखिए, इस पौधा में जो फ्रूट इसका होता है, जो फल होता है, और उसमें जो एसिड पाया जाता है, दैट एसिड इज साइट्रिक एसिड। इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, और उस फल में जो एडिबल पोर्शन है प्लांट का, तो उस फल में जो पल्पी पोर्शन होता है, जिसको खाने के काम में आता है पल्पी पोर्शन, उसका परसेंटेज होता है 90.97% इसमें पल्पी पोर्शन इसके फ्रूट में होता है, और इसमें मॉइस्चर पाया जाता है 70.5%। मॉइस्चर कंटेंट 70.5% एंड टोटल सोलोबुल सॉल्यूड इन जूस, इसके जूस में, इसके रस में टोटल सोलोबुल सॉलिड इन जूस प्रेजेंट 23.8%। तो 23.8% सोलोबुल सॉलिड पाया जाता है। इसके बाद एसिडिटी, आप देखेंगे कि इस पौधा में एसिडिटी 3.28% एसिडिटी है, 3.28% एंड टोटल शुगर प्रेजेंट 5.08%, टोटल शुगर प्रेजेंट 5.08%, प्रोटीन प्रेजेंट 0.75% एंड मिनरल्स प्रेजेंट 2.9% एंड देन एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट
इन द फ्रूट ऑफ दिस प्लांट इज 1094 mg पर 100 ml ऑफ जूस। आंवला के 100 ml जूस में 1094 मिलीग्राम एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। और विटामिन सी इसके फल में, जैसा कि हमने बताया, विटामिन सी 1100 से 1700 1100 to 1700 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, माने 100 ग्राम आंवला का आप खाते हैं, 100 ग्राम आंवला का आप उपयोग करते हैं, तो 1100 से 1700 mg पर 100 ग्राम इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो आपने देखा कि ये कितना रिच सोर्स है, आंवला इज ए रिच सोर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द न्यूट्रिटिव मटेरियल। बहुत सारे पोषक तत्व काफ़ी मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, जिसमें हमने ये बताया एस्कॉर्बिक एसिड 1094 mg इन 100 ml ऑफ जूस, विटामिन सी 1100 to 1700 mg पर 100 ग्राम। तो इतना इसका ये कंपोजिशन है जो इसके फ्रूट में पाया जाता है। और फ्रूट का जो पल्पी पोर्शन है हमने बताया 90.97%, और उसके बाद उसके अंदर में छोटा सा सीड पाया जाता है। तो दिस इज अबाउट दी प्लांट, ये पौधा के बारे में विशेष जानकारी था जिसको हमने डिटेल से प्रतिशत के रूप में, परसेंटेज के रूप में आपके सामने रखा। आप ध्यान से इसको अपने नोटबुक पर नोट करेंगे, लिखेंगे, याद रखेंगे, परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद यूजफुल इन मेकिंग, अब इसके फ्रूट का इस्तेमाल या इसके लीफ का इस्तेमाल हम लोग जो है इसमें, इसका मेजर यूजफुल पोर्शन फ्रूट है, फल है, लेकिन इसके अलावा इसके बहुत सारे चीज़ों के प्रिपरेशन में, प्रोडक्ट को बनाने में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे हेयर वाश, हेयर वाश बाल धोने के लिए इसका बनाया जाता है। दूसरा है हेयर वाश पाउडर के रूप में इसका प्रोडक्ट के रूप में बनाया जाता है। हेयर वाश तेल लगा, आंवला का तेल, तो आंवला का तेल भी इसका प्रोडक्ट है, इससे बनाया जाता है। इसके बाद आइए च्यवनप्राश, च्यवनप्राश बनाने में भी काफ़ी आंवला का उपयोग होता है और घर पर भी हम लोग बनाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसका निर्माण करती है, प्रोडक्ट बनाती है। फ्रूट इज एडिबल इन दी डिफरेंट टेस्ट, अब इसका जो फल है इसको डिफरेंट टेस्ट में हम लोग खाने के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे चटनी के रूप में आप खा सकते हैं, अचार के रूप में खा सकते हैं, मुरब्बा के रूप में खा सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं, पका के खा सकते हैं, किसी भी रूप में ये आपको फायदा ही पहुंचाता है फॉर दी फिजिकल वेलफेयर, मेंटल वेलफेयर, सारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, सभी के लिए ये फायदामंद है। इसलिए हम लोग इस पौधा को सर्वगुण संपन्न पौधा के नाम से जानते हैं। अब हमने ये सेकेंड टीचिंग पॉइंट मेरा था, पहला था टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ द प्लांट, सेकेंड में था अबाउट प्लांट, एंड थर्ड यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ यूज इन मेडिसिन, यूज एज ए मेडिसिन, माने औषधि के रूप में इसका किन किन रोगों में, किन किन डिजीज में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, जो थर्ड टीचिंग पॉइंट है। आप एक एक करके पॉइंट को आप ध्यान से समझेंगे, जानेंगे कि इसके फ्रूट का, इसके जूस का और इसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट का, चाहे आप कच्चा खाएं, पका कर खाएं, उसका हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना फायदामंद है, स्वास्थ्य के लिए कितना उत्तम क्वालिटी का ये मेडिसिनल प्लांट है, जिसका उपयोग हम जूस के रूप में, अचार के रूप में, मुरब्बा के रूप में, चटनी के रूप में, कच्चा खाते हैं, बाल में लगाते हैं, तो बहुत सारे रोगों के निदान में इससे हमें काफ़ी सहायता मिलती है, जो एक एक करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे, जानेंगे, अपने नोटबुक में नोट करेंगे। पॉइंट वन यूज एज एंटी ओबेसिटी, वजन घटाने या मोटापा कम करने में मददगार है। इसका जो फ्रूट हम लोग खाते हैं, किसी भी रूप में खाते हैं, तो मोटापा या वजन घटाने में काफ़ी कारगर होता है, इसलिए यूज एज ए एंटी ओबेसिटी।
एंटी ओबेसिटी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे, फॉर हेल्दी हार्ट, इसका उपयोग इसके जूस का सेवन, इसके चटनी, इसके मुरब्बा जो भी हम सेवन करते हैं तो उससे ये हेल्दी हार्ट का डेवलपमेंट होता है। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरह का, हृदय संबंधी किसी भी तरह की बीमारी में ये काफ़ी कारगर साबित होता है, इसलिए हम लोग इसका सेवन करते हैं। इसके बाद पॉइंट थर्ड, रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर। जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है तो वो इसके सेवन से वो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है, कंट्रोल रखता है, इसलिए इसका जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करते हैं, सावधानी पूर्वक करते हैं। चौथा पॉइंट है इसका एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। बार बार मेडिसिनल प्लांट में ये टर्म आता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब हमने पहले वाले मेडिसिनल वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल से मैंने समझाया था कि एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं एंड दैट फ्री रेडिकल्स आर हार्मफुल आवर हेल्थ एंड आवर बॉडी। तो उस फ्री रेडिकल से बचाने का काम, उस फ्री रेडिकल को डिस्ट्रॉय करने का काम ये आंवला का डिफरेंट प्रोडक्ट करता है जिसको हम लोग विभिन्न रूपों में खाते हैं, हेंस एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट। और इस एंटीऑक्सीडेंट में बहुत सारे ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे, गैलिक एसिड नंबर वन, गैलिक एसिड, दूसरा गैलोटेनिन, दूसरा गैलोटेनिन, और तीसरा एलेजिक एसिड, और चौथा है कोरी लागिन। ये चार जो चीज हमने बताया आपको ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ऑल आर एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट यानी फ्री रेडिकल को बनने से रोक देता है या उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जितना हमने बताया, गैलिक एसिड, गैलोटेनिन, एलेजिक एसिड एंड कोरी लागिन, ऑल आर दी एंटीऑक्सीडेंट जो कि आपको विभिन्न तरह के रोगों से बचाने का काम करता है। इसके बाद पांच नंबर एंटी कार्सिनोजेनिक। एंटी कार्सिनोजेनिक का मतलब एंटी नियोप्लास्टिन, एक इसका तत्व है, पदार्थ इसमें पाया जाता है एंटी नियोप्लास्टिन प्रेजेंट विच डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल। जो इस आंवला में, आंवला के जूस में एंटी नियोप्लास्टिक पाया जाता है जो कैंसर के सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। इसके बाद इन यूरिनेशन प्रॉब्लम, किसी भी तरह का यूरिन प्रॉब्लम है तो इस यूरिन प्रॉब्लम में भी ये काम करता है, बिकॉज इट है डाई यूरेटिक प्रॉपर्टीज। डाई यूरेटिक प्रॉपर्टीज इस आंवले के फ्रूट में, जूस में, विभिन्न प्रोडक्ट में पाया जाता है, डाई यूरेटिक प्रॉपर्टी। और डाई यूरेटिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है मूत्रवर्धक गुण। जो बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं जिसमें उनके यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम होता है तो ये डाई यूरेटिक प्रॉपर्टी के कारण यूरिनेशन प्रॉब्लम में भी क्योर करने में सहायता करता है। इसके बाद सेवन पॉइंट, हेल्प इन डाइजेशन, आ हेल्प टू कीप हेल्दी लीवर। ये लीवर को हेल्दी रखने में, यकृत को हेल्दी रखने में काफ़ी सहायता करता है, इसलिए ये भोजन के पाचन संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित एवं संतुलित रख के आपके डाइजेशन में, पाचन क्रिया में मदद करता है। अगला पॉइंट, इंक्रीज इम्यूनिटी। इंक्रीज इम्यूनिटी शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट प्रोडक्ट है जो आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को, रोगाणु से, विषाणु से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। उसमें उन सारे पौधों में इस पौधा आंवला का एक अलग महत्व है, इसीलिए इसको कहा जाता है टॉनिक फॉर टू सेव डिजीज। ये टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचाने के लिए। और जैसा कि आपको मालूम है कि आने वाले दिनों में, जैसे अभी कोरोना बीमारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, तो आने वाले दिनों में विषाणु, जीवाणु, जितने भी तरह के बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव हैं, तो शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से ही उसको मारा जा सकता है।
शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से ही बचा जा सकता है। इसलिए इस तरह के पौधे के जो फ्रूट है उसका सेवन करना आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगा, और आप इसका हमेशा सेवन करें ताकि शरीर में रोगाणु जीवाणु से लड़ने की क्षमता बढ़े। एंड 9 पॉइंट है स्ट्रॉन्गेस्ट दी बोन्स। अगर शरीर में हड्डी कमजोर हो जाती है तो उस हड्डी को मजबूत करने में भी इसका काफी अहम भूमिका है। और 10वां पॉइंट है इंक्रीज लाइट ऑफ द आई, आंख की रोशनी। अगर हमेशा आप समय अनुसार नियमानुकूल आप आंवले का सेवन करते हैं तो आपकी आंख की रोशनी भी बनी रहती है, तो आंख की रोशनी को बढ़ाने में भी काफी ये मददगार साबित होता है। एंड 10वां पॉइंट जो हमने 11 पॉइंट जो आपके सामने रखा है इन स्टोन डिजीज, अगर पथरी की बीमारी है तो इस सीड के अंदर में जो बीज होता है तो उस बीज को अगर चूर्ण बनाकर खाने से छोटे छोटे पथरी संबंधी जो रोग होते हैं उसका भी नियंत्रण होता है, उस पर भी हम लोग काबू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जितना ये पॉइंट आपके सामने रखा 1 to 11 एंड 1 to 11 पॉइंट आपके सामने जो रखा All are the medicinal property of that plant। इस पौधे का सब medicinal property है, और इतना property एक ही तरह के पौधा में पाया जाता है, और इतना property एक ही तरह के पौधा में पाया जाता है। इसीलिए हमने कहा कि यह एक ऐसा पौधा है जिसको हम लोग कहते हैं सर्वगुण संपन्न पौधा, सर्वगुण संपन्न पौधा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इस महत्वपूर्ण मेडिसिनल प्लांट आंवला के बारे में डिटेल से बताया, और मुझे आशा है नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप समझेंगे जानेंगे दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे और इसका उपयोग करके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से छुटकारा पाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो लेक्चर में आपके साथ हम मिलेंगे।